कभी ऐसा फील नहीं हुआ यार आज। कितने सुना वो आवाज़ गाइस। फ़ोन अभी 17% चार्ज हो चुका है और मेरा गिम्बल भाई क्या अजीब हरकत कर रहा है, पता नहीं काम ही नहीं कर रहा ठीक से। तो मेरे सारे डिवाइसेस हेडफोन से लेकर भाई कुछ भी इधर, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है भाई, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है फ़ोन से। हेलो सब गाइस, दिस इज़ द टियर्स एंड वेलकम बैक द न्यू फ्रेश वीडियो। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि 12 दिन से जो बोल रहा था कि दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन ही Q&A सेकंड पार्ट अपलोड कर देगा, वो कहाँ गायब हो गया। तो गाइस मेरा तबीयत सचमुच ख़राब था, मैं अगर हो सका तो इधर लगा दूंगा वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, लेकिन अभी ठीक हूँ। 12 दिन घर से नहीं निकला, तो आज 12 दिन बाद घर से निकला, पॉक्स हुआ था उसका माँ, तो अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ, अभी भी थोड़ा सा मतलब पेन है बॉडी में। मेरा कल SST एग्ज़ाम है, फिर भी मैं इसे निकल कर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, मैं आज जा रहा हूँ कॉलेज सिला, उधर बोलते हैं कि त्रिपुरा का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, तो मैं ना उधर जाके थोड़ा सा रिव्यू टाइप का दे दूँगा कि सचमुच में क्या भूत फील होता है। मैं उधर जा चुका हूँ 2-3-4-5 बार जा चुका हूँ, तो आज मैं आप लोगों को भी लेके जाऊंगा उधर का पूरा फील करवाऊंगा। तो आज का ब्लॉग शुरू करता है। फाइनली हम लोग कॉलेज सिला पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हो इधर से पूरा अप हिल है, इधर से इस रोड से पूरा अप हिल है, फिर है वो कॉलेज सिला का ग्राउंड। तो मुझे इस पर पूरा अप हिल को चढ़ना पड़ेगा और मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि ये इस टाइप का हिल है, और गियर डाउन करके भी भाई बहुत मुश्किल होती है। तो मिलते हैं हिल को चढ़कर। गाइस ये वही इको पार्क है जहाँ पर हम लोग अंदर जाने वाले हैं। ये गेट तो मेन गेट तो क्लोज है, तो हम पीछे से जाएंगे, पीछे से क्यों एक रास्ता है अंदर जाने के लिए। एक हॉन्टेड सा जगह है भाई उधर का, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। और उधर पहले टिकट का होता था, ये मेन गेट था इको पार्क पर लिखा हुआ है। इधर बहुत सारे मर्डर्स और सुसाइड हुए इसलिए इसको क्लोज कर दिया गया है, लेकिन हम लोग खुराफाती है भाई, जाएंगे अंदर। तो चलो अंदर का सीन दिखाएंगे, तो देखो वीडियो का एंड तक। तो भाई लोग यही है वो जगह जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं, उस हॉन्टेड जगह का जगह देख सकते हो भाई, कितना सुनसान है, कितना सुनसान जगह है भाई। तो ये इधर से इसका एंट्री है, चलो भाई घुसते अंदर और अंदर का भी लुक दिखाएंगे आप लोगों को। भाई बहुत हिम्मत करके जा रहा हूँ अकेले, चलो यार जाके देखते क्या होता है, जो होगा तो आप लोग को दिखाएंगे। तो ये लो भाई हम आ गए, अब इधर से साइकिल को उतारना मुश्किल टास्क होगा। ओए ओ भाई ये देखो भाई हम लोग आ गए इधर से, उस वो है वो खूनी कॉलेज सिला लेक, ये देखो। चलो पहले उतरते ही नीचे फिर दिखाएंगे। यार इधर तो बहुत ये देखो भाई लोग कितना डाउन स्लोप है इधर, ये देखो। ओए रुको यार,
ओए 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 तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मोस्ट वांटेड प्लेस इन त्रिपुरा। ये जगह जितना खूबसूरत लग रहा है ना, अभी जब अंधेरा होगा ना तब सबके फट जाते हैं इधर आने में। तो चलो इस साइड से आगे बढ़ते हैं। और आप, मैं अभी अपना शक्ल नहीं दिखाया क्योंकि भाई मेरा शक्ल देख कर क्या करोगे आप लोग, नज़ारा एंजॉय करो। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है इधर से। ओ भाई क्या नज़ारे आ रहे हैं। भाई देख ही सकते हो कितना डेंजर जंगल है ये, इधर लेक और बीच में पतला सा रोड। गलती से भी ब्रेक नहीं लगाना भाई तो गए समझो। और ये देखो भाई साहब पेड़ बीच रोड पर उगकर बैठा हुआ है। हम साइड से निकल लेंगे, पंगा नहीं लेते भाई किसी से भी। तो गाइस हम लोग थोड़ी देर इधर रुकते हैं, ठीक है। इधर कुछ इस टाइप का है, कुछ बैठने की जगह है और इधर फिशरमैन लोग इधर बैठकर मछली पकड़ते हैं। आप दोनों साइड में देख ही सकते हो। और ये देखो भाई कॉलेज टीला लेक। सच बताओ तो भाई इस लेक में, पता है इस पार्क में, मतलब इस कॉलेज की जगह पूरा श्रापित टाइप का जगह है। इस जगह ने बहुत लोगों की जान ली है, मतलब मोर देन 300 लोगों की इधर सुसाइड, मोर देन 300 लोग इधर ने सुसाइड किया या फिर किसी का मर्डर किया है। तो आप लोग हिम्मत देख ही रहे हो अपनी भाई की, इधर आकर बैठे हुए हैं अकेले, ठीक है ना। और रही बात नेगेटिव वाइब्स की, भाई नेगेटिव वाइब्स तो नहीं आ रहे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा गौरव जोन की तरह की भाई नेगेटिव आ रही है भूत भागो। हम गौरव जोन की तरह नाटक नहीं करेंगे, हम साफ साफ बोलेंगे कि भाई कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं है, उल्टा यार शांति मिलती है जरा, मतलब जी करते कि बैठे रहो इधर। लेकिन भाई जब टाइम 6 PM के ऊपर चला जाता है ना तो फट जाती है लिटरली, इधर इतना अंधेरा हो जाता है, मतलब जो सूरज देख सकते हो वो ढल जाता है और इधर पूरा अंधेरा हो जाता है, दिखाई भी कुछ नहीं देता। तो मैंने लाइट वाइट पूरा सेटअप करके ही लाया है, अगर अंधेरा हो जाता है तो कैसे भी करके निकल सके। और फ़ोन, भाई फ़ोन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इधर, मतलब टावर इतना गंदा है कि व्हाट्सएप में एक मैसेज नहीं जा रहा है। गाइस फ़ोन अभी 17% चार्ज हो चुका है और मेरा गिम्बल भाई क्या अजीब हरकत कर रहा है, पता नहीं काम ही नहीं कर रहा ठीक से। तो मेरे सारे डिवाइसेस हेडफोन से लेकर भाई कुछ भी इधर, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है भाई, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है फ़ोन से। भाई मैं अभी हाथ से शूट करने वाला हूँ, थोड़ा सा वाइब्रेशन आ सकता है, मैनेज कर लेंगे। पता नहीं भाई इधर कुछ डेंजरस सा है भाई, फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा भाई किसी से। अभी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था भाई 17% चार्ज से, कुछ है भाई। अब देखो यार रियर व्यू कैमरा से, भाई लोग इधर कुछ टावर टाइप का है भाई, चढ़ने का तो हिम्मत नहीं है भाई, फिर भी दिखा रहा हो क्योंकि इधर ऑलरेडी फट चुकी है मेरी। चलो भाई
ये रहा भाई, इधर वाल है वो इको पार्क का बाहर का वाल। अभी तो बस शुरू हुआ है भाई, ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगा कि आप अकेले आओ, और अगर आप अंडर 10 हो तो बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि इस जगह में अच्छे अच्छों की फट जाती है। भाई ये देखो यार, ओ शिट, कितना डेंजरस सलूक आ रहा है इधर। मेरी शायद वॉइस अच्छी आ रही होगी, नहीं आ रही होगी भाई, मैंने कुछ कनेक्ट भी नहीं कर रखा। बस दिखाना है भाई, दिखाकर बस निकलते हैं। वैसे तो अगर सच में पूछोगे तो मैं बोलूँगा भाई, मैं बिलीव करता हूँ भूतों में। ये देखो भाई, सामने एक डेंजरस सा ब्रिज है। 3 बार शुभ्रदीप और प्रज्वल के साथ, फिर भी यार अकेले में फटती है सबकी यार। ये आपको लग रहा हो कि ये लकड़ी का ब्रिज है, लेकिन भाई ये पूरा सीमेंट का है। मैं पास में जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो भाई, आपको लग रहा होगा ये लकड़ी का है, लेकिन ये सीमेंट का है पूरा। ये देखो इधर रोड में बीच बीच में लकड़ी टूट कर गिरी हुई है। अगर आप बाइक लेकर आओगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और मैं आपको प्रेफर करूँगा भाई अकेले आओ ही मत, प्लीज़ अकेले मत आओ, और 6 बजे के बाद मत आओ, क्योंकि यार मेरी अभी फट रही है, तो आप लोगों को तो भाई। ये देखो भाई लोग, इधर कुछ इस टाइप का पेड़ मैंने कभी नहीं देखा यार। और इधर बैठने का, और ये शायद मेन एंट्रेंस का, ठीक है ना, मतलब वो जो मैंने दिखाया था ना, मेन गेट का वो एंट्रेंस इधर से होता है, जो कि ऊपर से जाके बंद है। और इधर कुछ बैठने का जगह, भाई हमको नहीं बैठना, हम निकलते भाई। ये देखो भाई, पूरा रोड पूरा ब्लॉक है स्पीड से। अगर आप बाइक लेके आओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इधर, तो हमको ना साइड से ही निकालना पड़ेगा अपनी Z900 को। अरे 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 भाई साहब, अभी तो सचमुच में फट रही है, अब लगता है सचमुच में जगह श्रापित है। ये देखो भाई मेरा ये पूरा, पता नहीं, मैं तो घर से टाइट करके निकला था, पता नहीं निकल कैसे गया। अरे यार, अभी मतलब मेरा रियर का ब्रेक फेल हो चुका है। चलो यार, इसको निकाल ही देते हैं। ये देखो भाई, पूरा ब्लेड घिस चुका है। और मेरा इधर एक पैनियर बैग, मतलब ये लगा हुआ था, ये भी निकल चुका है। भाई क्या हो रहा है भाई इधर, मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई, हो क्या रहा है। तो भाई लोग, मेरे फ़ोन में भी सिर्फ 10% चार्ज है भाई। ये देखो, ये थी टाइप का रोड्स है, और भाई आज बहुत नुकसान हो गया लिटरली। गाइस पता नहीं अपने फ़ोन का चार्ज इतनी जल्दी कैसे हो गया, मैंने तो घर से फुल करके निकला था, और अभी मेरे फ़ोन में 10% चार्ज है। चलो फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं, फिर थोड़ा सा अगर चार्ज हो जाए फिर व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। भाई निकलना भी है, शाम अंधेरा हो रहा है भाई। चलो फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। फिर कैसे बात करेंगे यार, चार्ज होने के बाद बात करेंगे। तो चलो यार, फट रही है यार। सच बताओ तो मैं और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि भाई मुझे मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि मतलब घर चले जाने के लिए, मतलब इसका भी Part 2 किसी के साथ ही आएगा यार। मैं अकेले और नहीं आऊँगा इधर भाई, बहुत सुनसान जगह है, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ यार आज। कितने सुना वो आवाज़,
भाई कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं कैसा फील हो रहा है आप लोगों के साथ बात करते हुए। मैं आता रहता हूँ यार, ऐसा कभी भी फील नहीं होता। तो चलो यार, आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मेरी तो फटी पड़ी है भाई। तो नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट Q&A के साथ बाद ही आएगा। अगर ये वीडियो अपलोड हो जाता है तो समझ लेना कि मैं जिंदा घर पहुंच गया। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ द TR Zone Rider साइनिंग ऑफ। गुड बाय।